गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम रिमझिम के किताब से कक्षा 2 के बुलबुल कहानी पढ़ के सुनाएंगे। ठीक है, क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है, यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। ठीक है, जिस कोई भी चिड़िया के नीचे, पूंछ वाली जगह के नीचे अगर लाल हो तो समझो कि वो बुलबुल है। जब वो उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और शरीर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं सिपाही बुलबुल? क्योंकि सिपाही भी अपने सर पर टोपी पहनते हैं, उसी तरह बुलबुल के सिर पर भी वैसे ही होता है, इसीलिए उसको सिपाही बुलबुल भी कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ कर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देगी। ठीक है।